दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 18-1 कॉम्बिनेशन की सीरीज चल रही है। आज बारी है 1 और 7 नंबर की, और आज की केस स्टडी के जो मेन स्टार हैं हमारे, वो हैं सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जी की डेट ऑफ बर्थ 19 नवंबर 1975, यानी परफेक्ट 1-7 का एग्जाम्पल है, और ये 1-7 का एग्जाम्पल उनकी पर्सनैलिटी में दिखता भी है। बात करूँगा इससे पहले 7 नंबर के, पहले छोटी सी मैं सूर्य की इंट्रोडक्शन देता हूँ, हर वीडियो में देता हूँ, क्योंकि सूर्य हमारा, सूर्य के जो गुण हैं यहाँ पे छूट नहीं सकते, क्योंकि 1 और 7 यानी सूर्य के साथ केतु की अटैचमेंट हुई है। 2 अलग अलग नंबर यहाँ अटैच होते हैं, दोनों के गुण उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में दिखते हैं। पहले सूर्य के बारे में छोटा संक्षेप में बताता हूँ आपको। सूर्य रॉयल प्लैनेट है, राजा यानी किंग को बोलते हैं। सूर्य से जो भी कनेक्टेड पीपल होते हैं वो जनरली बहुत लीडरशिप को दिखाते हैं, बहुत अद्भुत, उनका ब्रेन पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। 100 लोगों के बीच में उनको खड़ा कर दो, तुरंत मामले को, क्रक्स को पहचानते हैं वो लोग। हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य भी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत गवर्न करता है, केतु तो स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है ही है। तो जिंदगी में एक बात याद रख लेना दोस्तों, सूर्य हेल्थ के, आपकी हेल्थ को और स्टडी, इन दोनों पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। यानी आपका सूर्य अच्छा है तो हेल्थ और आपकी स्टडी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक होने वाली नहीं है, यानी बहुत अच्छी स्टडी का आपका फ्यूचर है। अब बात करता हूँ सूर्य के बाकी गुणों की। सूर्य नेम फेम का कारक है, बहुत बड़ा नेम फेम लाता है अगर सूर्य आपका अच्छा है ज़िंदगी में। मेरा खुद का 1 और 1 नंबर है, आपके सामने यूट्यूब में आया हूँ, 1 साल में 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर कर लिए। तो ये देखो, सूर्य ओरिएंटेड पीपल है ना, इनको नेम फेम, इनके भाग्य, इनकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं जोड़ा ही होता है। प्लानर बहुत अच्छे होते हैं सूर्य से, लोग जो सूर्य से कनेक्टेड लोग हैं प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, कभी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। अब कौन कौन से नंबर होते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 1, 10, 19, 28 यानी इस डेट्स को पैदा हुए लोग सूर्य से आपके संबंधित लोग होते हैं। अब बात करता हूँ, सीधा आता हूँ केतु की, क्योंकि आज के जो हमारे 1 और 7 नंबर के साथ केतु का जोड़ा होता है। केतु किस बात को रिप्रेजेंट करता है? केतु ह्यूमिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कि वो लोग धर्म से संबंधित ही होंगे, इस बात को, मेरी स्पिरिचुअल बोलने का मतलब ये नहीं है, धर्म में लगे रहेंगे, लेकिन सुप्रीम पावर के बहुत अनन्य भक्त होते हैं। अब सुप्रीम पावर में एक बात कह सकता हूँ, ये नहीं कि वो अपने ही धर्म को मानने वाले होंगे, वो भगवान को मानने वाले होंगे, शब्द सीधा सा अर्थ यही है। किसी भी धर्म में पैदा होगा 7 नंबर वाला, स्पिरिचुअल होगा, ह्यूमन होगा अच्छा, और भगवान को मानने वाला होगा। और क्या होगा इस व्यक्ति में, और क्या खासियत होगी? ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रेवल का शौकीन होगा, क्योंकि जो केतु है वो बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने को बताता है। तो ये ऐसा व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल अपनी किस्मत में लिखवा के लाता है कहीं ना। बहुत अच्छे अकल्ट में लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिष वर्ल्ड में होते हैं, मेडिटेशन लाइफ में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। वर्ल्ड के अंदर केतु से ओरिएंटेड लोगों की छाप बहुत बड़ी चलती है, इवन बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी में भी 7 नंबर का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बहुत कुछ बताता है। आप ये देखिए, एप्पल और अमेज़न दोनों नंबर 7 हैं, यानी व्यक्ति की ज़िंदगी में भी 7 नंबर बहुत कुछ बताता है, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी में भी आपको बहुत कुछ इंडिकेट करता है। दोस्तों, अब बात करता हूँ प्रोफेशन की, क्योंकि 1 और 7 का कॉम्बिनेशन तो हमने देख लिया, कुछ कुछ जान भी लिया, ये किस किस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होते हैं। जनरली ये लोग अकल्ट में, ज्योतिष में, मेडिटेशन में, क्योंकि यहाँ 1 नंबर जुड़ा हुआ है, लीडरशिप तो उनको मिलनी है। अगर इस फील्ड में चले जाए तो अपनी इस फील्ड में ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। अगर एस्ट्रोलॉजर बनेंगे तो इनको सफलता, नेम एंड फेम इनकी डेस्टिनी में ज़रूर आएगी। दोस्तों, लीडरशिप का नंबर है, लीगल फील्ड से भी ये बहुत जुड़ाव रखते हैं, लीगल फील्ड में भी इनको सक्सेस मिल सकती है। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, ये जो पाइप बनते हैं बड़े बड़े कारखानों में, जो लंबे लंबे पाइप बनते हैं, इससे भी इनका कनेक्शन बनता है। अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो इससे संबंधित फैक्ट्री में जा सकते हैं। पावर प्लांट, ये भी इनके हिस्से में आता है दोस्तों।
लक्की कलर्स की बात करता हूँ इसमें, लकी इनके लिए जो लाइट येलो, लाइट ब्लू ये कलर और लाइट ग्रीन, ये तीन कलर इनसे जुड़े हुए हैं। अगर ये तीन कलर अपनाते हैं ज़िंदगी में, ये कलर इनके लिए हमेशा ही लक का दरवाज़ा खोलते हैं। दोस्तों अगर एक और सात कॉम्बिनेशन वालों को अगर अपना नाम लाना पड़े तो किस नंबर पर लाएंगे, वो छोटा सा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इनके लिए एक और सात कॉम्बिनेशन के लिए 3 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर ये बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ, मैं यहाँ पर 2 नंबर को रूल आउट नहीं करता, दोनों नंबर कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर से जुड़े हुए हैं, तो 2 नंबर भी इंट्यूटिव पावर देता है, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो 2 नंबर को भी यहाँ रूल आउट नहीं करता, और 1 और 7 के कॉम्बिनेशन वाला 7 नंबर भी रख सकता है। दोस्तों एक छोटी सी प्रस्तुति थी आपके लिए, और अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।